नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं और ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए थे और वे अखिलेश के साथ ही राज्यसभा पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वे 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद है, लेकिन इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने ही विधायक नहीं है जो उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सके। लिहाजा सिब्बल के फ्यूचर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए थे और वो अखिलेश यादव के साथ ही राज्यसभा पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा वो 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोट में सांसद है, लेकिन इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने ही विधायक नहीं हैं जो उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सके। लिहाजा सिब्बल के फ्यूचर को लेकर क्या सगाया जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि जब कांग्रेस में सिब्बल के टिकट पर सस्पेंस बरकरार था, उस वक्त तीन बड़ी विपक्षी पार्टियां उन्हें अपने कोर्ट से राज्यसभा भेजने को तैयार थी। उत्तर प्रदेश से सपा, बिहार से राजद और झारखंड से झामुमो सिब्बल को राज्यसभा भेजने का मूड बना चुकी थी। हालांकि सिब्बल ने अखिलेश के साथ जाने का मन बना लिया था। बता दें कि सिब्बल पिछले दिनों कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने मार्च में एक इंटरव्यू के दौरान गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला था। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी और बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। और आज इसी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से वर्चस्व पांडे और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं तारिक खान। तो सबसे पहले तारिक खान भी हमारे साथ जुड़े हैं, वर्चस्व पांडे कांग्रेस से जुड़े हमारे साथ। वर्चस्व पांडे, आपके पास आना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरीके से जो हुआ है, जिस तरीके से सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस को कितना नुकसान इससे झेलना पड़ सकता है? कपिल सिब्बल जी जो है वो पहली चीज से आपको बता दूं कि राज्यसभा से सांसद थे हमारे जी, ठीक, वो कोई इलेक्टेड तो थे नहीं, जनता द्वारा चुने गए हों, तो उनसे क्या नुकसान होगा इसके बारे में अभी कह पाना शायद सही ना हो। वो तो भविष्य बताएगा कि समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होता है और कांग्रेस को कितना नुकसान होता है। लेकिन जहां तक रही बात उनकी पार्टी को छोड़कर जाने का, उसके लिए बस मैं ये कहना चाहूँ कि भाई देखिए, सबको इंडिपेंडेंट है और हम लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, हमें अपना निर्णय लेने का अपना अधिकार है। उन्होंने अपना निर्णय लिया होगा, वैसे भी उनको सत्ता में रहने की हमेशा से सदन में जाने की लालसा थी, इस बार कांग्रेस पार्टी उनको भेज नहीं रही थी, तो इसलिए वो सदन में जाने के लिए कांग्रेस का साथ छोड़ के सपा के साथ चले गए जी। ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अवसरवादी था कि राजनीति आज के समय में देश में सबसे ज्यादा हो रही है जी। तो कांग्रेस ने जिन जिन लोग को नेम दिया, फेम दिया, वो लोग कांग्रेस छोड़ के आज जा ही रहे हैं क्योंकि उनको सत्ता की भूख है। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक कांग्रेस के साथ थे, आज कांग्रेस सत्ता के बाहर है तो उनको ये लग रहा है कि अब हमें कहीं और जाकर के अपना सदन में पहुंचना चाहिए, तो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाए जी। चलिए, तारिक खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी से। तारिक खान, आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने कांग्रेस का साथ छोड़कर अब ये विचार बना लिया है कि उन्हें साइकिल की सवारी करनी है, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा है कि उनको साइकिल की सवारी करनी है, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह है, पहली बात।
दूसरी बात ये कि कपिल सिब्बल ही नहीं, कांग्रेस की अगर आप पुरानी जो अभी इधर घटनाक्रम को अगर आप देखें, वैसे कांग्रेस पार्टी आपका हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसका एनालिसिस मैं करता रहता हूँ कि कई नेता कांग्रेस के जो काम करने के तरीके हैं उससे नाराज थे, ठीक है, उसमें गुलाम नबी आजाद भी थे, उसमें कपिल सिब्बल भी थे, उसमें जो उनके कई बड़े नेता जैसे पंजाब के मनीष हैं और कई बड़े नेता उसमें नाम थे जिसमें उन लोगों ने एक मीटिंग भी की थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग कहीं कांग्रेस से ऐसा नहीं है कि सत्ता के लिए या सत्ता पाने के लिए या राज्यसभा मेंबर बनने के लिए कांग्रेस से आए हैं। ये कांग्रेस पे कुछ चेंजेस चाहते थे, उसी चेंजेस को फॉलो करते हुए पीके ने भी कांग्रेस के पास गए थे और कांग्रेस के सामने प्रपोजल रखा था कि ये चेंजेस आप कांग्रेस में करिए, जिसपे भी एग्रीड कांग्रेस के उनके साथ कांग्रेस की बात नहीं बन पाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देख रही हैं कि कांग्रेस का किस बुरी तरीके से डाउन नीचे जा रही है कांग्रेस लगातार। तो ये जो नेता हैं इनका ये मकसद था कि ये कांग्रेस को ये राय दे रहे थे कि आप कांग्रेस के अंदर तो उनका संगठन है और उनका जो काम करने का जो पुराना 100 साल पुराना तरीका है उसमें कुछ चेंजेस करिए, जिसके लिए वो नहीं, कांग्रेस का जो आला कमान है, अब वो आला कमान कौन है वो नहीं तैयार था। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह वाला मामला हुआ तब भी कपिल सिब्बल ने आवाज उठाई थी कि ये गलत हो रहा है, कैप्टन पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब कल कपिल सिब्बल से पूछा गया कि अब कांग्रेस से, तो उन्होंने कहा मेरे कांग्रेस से भी बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे। और जहां तक एज अ इंडिविजुअल कपिल सिब्बल का सवाल है, तो वो अगर हिंदुस्तान के चुनिंदा काबिल वकीलों में से नाम लिया जाए तो सबसे पहले कपिल सिब्बल का ही नाम लिया जाएगा। इसमें दो राय ना भाजपा को होगी, ना समाजवादी को होगी जी, ना कांग्रेस को होगी। तो ऐसा नहीं है कि वो समाजवादी ज्वाइन कर रहे हैं, एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट समाजवादी जो 37 विधायक चाहिए होते हैं एक आदमी को राज्यसभा भेजने के लिए, वो 37 विधायक के समर्थन से समाजवादी उनको एक इंडिपेंडेंट वॉइस की तरह राज्यसभा में भेजेगी। बस तारिकांश, अभी आपने बात कही कि जिस तरीके से वर्चस्व पांडे ने कहा कि सत्ता की भूख, तो आपने साफ तौर पर नकार दिया उसको कि सत्ता की भूख की बात नहीं है, कांग्रेस पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं कपिल सिब्बल। ये सभी को पता है क्योंकि कई बार उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसे, कई बार अपनी बात रखी लेकिन शायद ही उनकी बात सुनी नहीं गई हो, तो इसको लेकर लगातार कपिल सिब्बल अपनी बात रखते हुए आए हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस में रहते हुए अगर शायद ही वो राज्यसभा तक पहुंच पाते या नहीं, और इसके लिए जब सपा का साथ उन्हें मिल रहा है साफ तौर पर, तो वो इस तरफ बढ़े भी और उन्होंने भी ये बात साफ कह चुके हैं कि राज्यसभा पहुंचना है उन्हें। देखिए मैम, देखिए राज्यसभा जो होता है वो सदन का अपर हाउस होता है। अपर हाउस का मतलब ये होता है कि समाज से भी कुछ ऐसे समाजवादी की ये सोच है, मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी कपिल सिब्बल को राज्यसभा क्यों भेज रही है उसको जस्टिफाई करा रहा हूं। समाजवादी की ये सोच है कि ऐसी वॉइस जो जब राज्यसभा में खड़े होके ऐसी मुद्दों को उठाए, जो मुद्दे वाकई में हिंदुस्तान के लिए अहम हो, समाज के लिए अहम हो, और हर किस्म से उसको जस्टिफाई करा सके अपनी आवाज को, उससे कपिल सिब्बल से बेहतर आवाज नहीं होगी। कपिल सिब्बल के चयन की समाजवादी की ये वजह है, ना कि ये वजह है कि हम कपिल सिब्बल को कांग्रेस से तोड़ दे, वो बड़े नेता हैं, या वो कांग्रेस की पुराने नेता हैं, हम उनको छीन ले। यहाँ छीनना इनना कुछ नहीं है। हाँ ये जरूर है कि कपिल सिब्बल की नाराजगी रही है कांग्रेस से, ये जग जाहिर है, उन्होंने कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए। और सिर्फ कांग्रेस में कपिल सिब्बल नहीं है, ऐसे बहुत से बड़े नेता है जो कांग्रेस में कई चेंजेस की मांग करते आए हैं मगर उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। और बहुत कपिल सिब्बल ने सीरियसली इस बात को, राहुल गांधी को भी कई बार क्रिटिसाइज किया इस इन चीजों के लिए। उन्होंने जब खासकर जब ये मामला हो रहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह वाला, तब भी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस लोगों को छोड़ रही है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये एनालिसिस करना, लेकिन फिर भी कांग्रेस को ये जरूर सोचना चाहिए कि उसके इतने अहम नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं, बहुत ईमानदार आदमी है, उनको आपने ऐसे ही छोड़ दिया जाने
जाने दिया, वो भाजपा से जाके मिल गया। हो सकता है कुछ लोग सत्ता के लिए जाते हो, लेकिन सब इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको कोई पद की लालच है या कुछ बन जाए। कपिल सिब्बल पहली बार तो राज्यसभा जा नहीं रहे, वो बहुत सीनियर लीडर हैं, और हिंदुस्तान के अगर कुछ जो अभी जीवित चुनिंदा लीडरों में से अगर नाम लिया जाएगा तो उसमें कपिल सिब्बल होंगे, उसमें मनमोहन सिंह भी होंगे, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि कपिल सिब्बल के बारे में ये ना कहा जाए कि वो सत्ता के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस में उनकी बिल्कुल बातें जो वो कांग्रेस को एक्साइट करना चाहते हैं, अपनी वैल्यूएबल राय देना चाहते हैं, समझते हैं कि वो हमारा घर है, तो उस घर में उनकी बात नहीं सुनी जा रही। उनका दर्द ये होगा, मेरा कयास है ऐसा। जी वर्चस्व पांडे, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठते आए हैं, ये पहले ऐसे नहीं है दिग्गज नेता कपिल सिब्बल, कई ऐसे और भी नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और कई अन्य पार्टी में शामिल हुए, लेकिन यहाँ पर कपिल सिब्बल ने एक बात रखी अपनी कल कि जिस तरीके से उनको विपक्ष का साथ ही चाहिए क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना है और कहीं ना कहीं मोदी को हराना है, ये एक बात उन्होंने कल रखी है। क्या लगता है सपा का समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है कपिल सिब्बल को, तो जो उनका मेन मोर्चा है उस पर वो किस तरीके से अमल कर पाएंगे वो? लेकिन पहले तो मैं अपने भाई को करेक्ट कर दूं, जैसे उन्होंने बताया कि कपिल सिब्बल इस देश के बहुत बड़े नेता है, तो पहले मैं इनको करेक्ट कर दूं कि कपिल सिब्बल इस देश के बहुत बड़े वकील है। बिल्कुल। और जहां तक रही बात नेता की, वो नेता नहीं है, उन्होंने उन्हें जनता ने नहीं चुना, जिसे जनता चुनती है वो जन नेता कहलाता है। उन्हें सदन में कांग्रेस पार्टी द्वारा अब तक चुनकर भेजा जा रहा था, तो वो पार्टी के लीडर हो सकते लेकिन जन नेता नहीं थे, वो एक अच्छे वकील, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक रही दूसरी बात उनकी, हमारे साथ मतभेद चल रहे थे उनकी, वो कह रहे हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से वो कांग्रेस आइडियोलॉजी के खिलाफ जाकर के खुले मंचों पर जो बातें पर्सनल तौर पर पार्टी के अंदर करनी चाहिए वहां वो बाहर निकल के पार्टी की फुटू करा रहे थे, ऐसे में उनसे किस वफादारी की उम्मीद की जाए? जी वर्चस्व पांडे, अगर जी अगर बात यहां पर राज्यसभा की हटा दी जाए तो क्या लगता है कौन से ऐसे बड़े मुद्दे रहे हैं जिन्होंने लगातार कपिल सिब्बल को उठाया है लेकिन कांग्रेस उसे पूरा नहीं कर पाई? अमल हुआ है, जहां तक चुनाव की प्रक्रिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो अभी होनी बाकी है, तो इनकी नाराजगी उस चुनाव प्रक्रिया से पहले क्यों थी? इस चिंतन शिविर में जब स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने यह क्लियर किया कि 50% यूथ को अब वैकेंसी मिलेगी, मतलब अब प्रमोट किया जाएगा, तब इन लोग को ये लगने लगा कि अब हम लोग की जगह नहीं बन रही है, क्योंकि धीरे इन लोग का किनारा CWC से भी हो रहा था और राज्यसभा जाने की उम्मीदें भी कम हो रही थी। ऐसे में कपिल सिब्बल को अपने लिए एक नया घर तलाशना था। कहने के लिए ये भाई साहब बहुत अच्छी बात बता रहे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बाद भी उनको इकलौती किसी पार्टी का इस समय सपोर्ट है, तो वो है समाजवादी पार्टी। तो वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट कहे जाएंगे, इसलिए ये कह देना कि उनकी कोई लालसा नहीं थी राज्यसभा जाने की, जो कि उन्होंने खुद भी अपने मुंह से कबूल किया है कि नहीं मुझे राज्यसभा ही जाना था, तो सिंपल सी बात है कि वो अपने आप को सदन में रखने के लिए, अपने आप को सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स में रखने के लिए ये निर्णय लिए हैं। उनका कांग्रेस के साथ लॉयल्टी से कोई सरोकार नहीं है। तारिक खान, आपके पास आना चाहूंगी। कल जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया है और समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से साथ मिल रहा है, यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव की भी थोड़ी सी एंट्री नजर आई, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने बेशक कपिल सिब्बल की तारीफ की और स्वागत भी किया उन्होंने जिस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी यहाँ पर निशाना साध दिया। शिवपाल ने कहा कि अगर परिवार के किसी सदस्य की इस तरीके से राज्यसभा में अगर उनका नाम जाता तो कहीं ना कहीं पार्टी और मजबूत हो जाती। मैम देखिए, ये निर्णय तो पार्टी का एक बोर्ड होता है, आप जानती होंगी, संसदीय बोर्ड होता है, वो ये सारे निर्णय लेता है, लेकिन मैं समर्थन करता हूँ कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने का, क्योंकि देखिए उन्होंने जो आजम खान साहब के को छुड़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई और आजम खान साहब खुद इस चीज की कई बार सार्वजनिक मंचों से तारीफ कर चुके हैं, तो अगर कपिल सिब्बल एक तरफ आजम खान का सपोर्ट करते हैं फिर दूसरी तरफ आजम खान साहब के विरोध में आ जाते हैं, क्योंकि आजम खान साहब तो चाहते थे कि किसी भी तरीके से
उन्होंने कहा कि अगर कपिल सिब्बल राज्यसभा मेंबर बनते हैं तो जो पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होगा वो मैं हूंगा, ये बात आजम खान ने खुद कही है। तो शिवपाल चाचा, मतलब शिवपाल चाचा का रोल समझ में नहीं आता है। जब आप आजम खान के साथ हैं, उनको जेल से लेने जाते हैं, तो अब वो कह रहे हैं कपिल सिब्बल को भेज दीजिए राज्यसभा, तो उनका तो साथ दे दीजिए, हम समाजवादी का साथ देने का कहां कह रहे हैं। कह रहे हैं हाँ इंडिविजुअल आजम खान साहब का साथ दे दीजिए। आजम खान कह रहे हैं कपिल सिब्बल की कोई ऐसा अल्फाज नहीं बचा होगा जिन अल्फाजों में कपिल सिब्बल की आजम खान ने तारीफ ना की जब से वो जेल से छूट के आए। लोगों ने पूछा कि उन्होंने कहा कि उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, उन्होंने मुझसे फीस नहीं ली, मुझसे एक पैसे नहीं लिए, मैं उनकी एक दिन की फीस नहीं दे पाता, उन्होंने मेरा इतना अच्छा मुकदमा लड़ा। तो मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि अगर शिवपाल चाचा ये सब बातें कहते हैं कि किसी इनको भेज देना चाहिए, उनको भेज देना चाहिए, तो कपिल सिब्बल तो ऐसे बेस्ट डिजर्विंग आदमी है। उन्होंने तो समाजवादी के जो सबसे वरिष्ठ नेता थे, अगर समाजवादी के सबसे वरिष्ठ नेता अगर मुलायम सिंह यादव जी के बाद की बात की जाए या अखिलेश यादव के बाद की बात की जाए, उनके उनके लिए इतना बड़ा काम किया, तो एक तरीके से तो समाजवादी के लिए उन्होंने काम किया ही। लेकिन समाजवादी काम का लेना देना है उनके राज्यसभा से या नहीं लेना देना है, या आजम खान साहब की इस सिलसिले में से कोई बात हुई थी या नहीं बात हुई थी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आजम खान ने सपोर्ट किया था कपिल सिब्बल का मीडिया के माध्यम से, तो जरूर अखिलेश पता चला होगा ये बात, कि नहीं पता चली होगी, जरूर पता चली होगी कि आजम खान साहब की भी बहुत ज्यादा रजामंदी है कि कपिल सिब्बल साहब राज्यसभा भेजा जाए। और कांग्रेस के लिए बिल्कुल ये चिंता की बात है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने आज नहीं कहा है कि मैं कांग्रेस छोड़ के जा रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बात है। वो कई दिनों कई बारों से कह रहे हैं कि हमें दिक्कत है यहाँ पर, ये सब चीजें में बदलाव होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, कांग्रेस इस पे ध्यान नहीं दे रही है, उसको ध्यान देना चाहिए। और वो लोग तो वो हैं जो ये कहते थे कि हम तो कहीं जाने वाले नहीं है, हम तो यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं छियेंगे सारा। उन्होंने जब से वो चाहे गुलाम नबी आजाद हो, वो चाहे कपिल सिब्बल हो, लेकिन इनको जो पुराने लोग हैं उन ऐसे डील करना है, उसका फॉर्मूला कांग्रेस को ही तैयार करना होगा। और एक ही बात से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि सत्ता के लिए लोग यहाँ वहां जा रहे हैं। कांग्रेस के पास पूरे हिंदुस्तान में 300-400 से कम विधायक नहीं होंगे। 300-400 विधायक का मतलब है कि 37 पे एक आदमी को आप राज्यसभा भेज सकते हैं। मैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने विधायक होंगे, लेकिन फिर भी मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ सारे स्टेटों को अगर मिला लिया जाए, क्योंकि 4-5 हजार विधायक पूरे हिंदुस्तान में है। तो आप तो बहुत आसानी से उसको आज नहीं कल तो उनको राज्यसभा भेज ही लेते, बहुत आराम से भेज लेते। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये लोग जा रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है, इस बारे में अध्ययन करना चाहिए कांग्रेस को कि वो सत्ता की लालच में जा रहे हैं या राज्यसभा का मेंबर बनना है और वो अपनी अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, या उनका पेट भर गया या सत्ता। सबको मालूम है कि कांग्रेस हार रही है, सबको मालूम है कि लगातार बीजेपी जीतती जा रही है, सबको मालूम है कि बीजेपी धर्म के मुद्दे पर और मजबूत होती जा रही है। तो कपिल सिब्बल को नहीं मालूम होगा, क्या आप ही ने बताया बहुत बड़े वकील हैं वो, तो इतने बड़े वकील को नहीं पता होगा कि बीजेपी मजबूत होती जा रही है। तो अगर सत्ता की इतनी ज्यादा चाहत थी तो बीजेपी में चले जाते, सत्ता की अगर इतनी बड़ी चाहत थी तो बीजेपी में चले जाते। अगर समाजवादी पार्टी 3 लोगों को राज्यसभा भेज सकती है तो बीजेपी तो 30-40 लोगों को राज्यसभा भेजने की स्थिति में है, बहुत विधायक है उनके पास, ऐसे ही आपके पास भी बहुत विधायक हैं। तो ये कहना मुझे जस्टिफाई नहीं हो पा रही है ये बात जो साथी कह रहे हैं हमारे। उनको ना अपने मोर्चे पर काम करना है, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि वो जानते हैं, वकील भी रह चुके एक बड़े, तो बेशक उनको पता है, वकील भी हैं, इसके साथ ही उनको ये भी पता है कि भाजपा कहीं ना कहीं मजबूत पार्टी है, धर्म के नाम पर खेल रही हो या किसी पे खेल रही हो। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कपिल सिब्बल भाजपा के साथ भी जा सकते थे, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है ना कि कपिल सिब्बल ने कल साफ तौर पर कहा कि उन्हें अपने मोर्चे पर ही रहना है, क्योंकि उनका यही मोर्चा, यही एजेंडा तय है कि उन्हें पीएम मोदी को हराना है और इसी के चलते उनको विपक्ष का साथ चाहिए। मैं कपिल सिब्बल की एक बात कोट करता हूं, उन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर कहा था कि ये लड़ाई हिंदू वर्सेस हिंदू की है जी, वो उत्तरवादी हिंदू और हमारे जैसे लिबरल हिंदू, उन्होंने खुद को कहा था लड़ाई हमारे जैसे हिंदू
और कट्टरवादी हिंदुओं के बीच की है, इसमें मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। उनकी बातों में यह झलकता है कि वो चाहते ही हैं कि हिंदुस्तान जिस तरीके से सेकुलर स्टेट रहा है वो वैसे ही बना रहे, उसमें किसी तरीके के जो ये चेंजेस करना चाहते हैं वो इस चेंजेस के फेवर में नहीं है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि कपिल सिब्बल कहते हैं कि उनकी लड़ाई भाजपा से है, तो उन्होंने सिर्फ इतना काम किया है, उन्होंने जो अपना एक भाजपा जो उन जो कांग्रेस उनका विपक्ष का घर था वो घर चेंज, आप ऐसे समझ लीजिए, रहेंगे वो विपक्ष में, रोल उनका भाजपा के खिलाफ है, एक्सपोज वो भाजपा को ही करेंगे, एक्सपोज वो मोदी सरकार को ही करेंगे, वो खुल के जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं उन्हीं के खिलाफ संसद में बोलेंगे। लेकिन पहले उनका जो बैठने की जगह थी वो कांग्रेस के खेमे में थी, वो चेंज हो जाएगी, वो वहां से आके अब जो दूसरे विपक्षी नेता राज्यसभा में बैठे वो वहां बैठेंगे, बस इतना सा फर्क है। चिंता का विषय जरूर कांग्रेस के लिए है और कांग्रेस से कोई लड़ाई भी नहीं है, लेकिन एडवाइस है कांग्रेस को कि ऐसे नेता है जिनकी जिनकी वॉइस को आज भी समझा जाता है कि ये लोग हिंदुस्तान के बहुत काबिल लोग हैं, बड़े नेता नहीं होंगे तो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील तो हैं, जितने भी बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं उनका कहीं ना कहीं लीडरशिप कहीं ना कहीं राजनीति में दखल होता ही है। राज्यपाल है आपके, वो भी आरिफ मोहम्मद खान बहुत बड़े वकील है, वो भी वकालत ऐसे तो कह सकते हैं, जितने भी बड़े लीडर होते हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादातर वो वकालत से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। मेरा कहने का मतलब अब यहाँ पर ये है कि कांग्रेस के लिए जरूर ये चिंता का विषय है। अब कपिल सिब्बल, इससे जस्ट पहले अभी सिंधिया, सिंधिया से पहले आपका कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहले जितिन प्रसाद, जितिन प्रसाद से पहले आपका मतलब बहुत बड़ी लाइन है, तो उसको उसके लिए इनको सोचना चाहिए कि कोई ना कोई, क्या सब लोग सत्ता के लिए जा रहे हैं, सब लोग सत्ता ही के लिए जा रहे हैं? अगर सत्ता के लिए जा रहे हैं तो कपिल सिब्बल को कौन सा समाजवादी की सरकार आई जा रही है, कल उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा जी, ये भी तो सोचने की बात है। मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कपिल सिब्बल सत्ता के लिए जा रहे हैं तो सत्ता के लिए भाजपा में जाते ना, सत्ता के लिए भाजपा में जाते, कल कैबिनेट मंत्री तो नहीं बनाया जाएगा। सिंधिया को कहा जाता जा सकता है कि सत्ता के लिए गए थे कैबिनेट मंत्री बन गए, लेकिन अमरिंदर सिंह के लिए भी यह चीज नहीं कही जा सकती, क्योंकि अमरिंदर सिंह को भी मंत्रालय ऑफर हुआ था, अमरिंदर सिंह ने मना किया कि हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, उन्होंने भी पार्टी बनाई। तो ये कहना कहीं ना कहीं अपनी कमियों को कांग्रेस जस्टिफाई कराना चाहती है तुरंत ही कि ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए जा रहे हैं। अगर सिर्फ सत्ता के लिए जा रहे होते तो क्यों ना ये लोग अब आराम से भारतीय जनता पार्टी में कहते, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा दिक्कत करती उनको लेने में, और सबको ले ही रही है जो लोग जाना चाहते हैं, उनको लेके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया उन्होंने। ठीक है तारिकान जी, वर्चस्व पांडे आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है जिस तरीके से अभी मोर्चे की बात कर रहे हैं जिस कपिल सिब्बल, क्या लगता है अब कांग्रेस का साथ छोड़ के कपिल सिब्बल अपने से मोर्चे को संभव कर पाएंगे कि नहीं? देखिए, वो कहते हैं कि मैं मोदी के खिलाफ हूँ इसलिए विपक्षी एकता को मैं चाहता हूँ, लेकिन जैसा भाई साहब ने बताया कि वो देश के इतने बड़े वकील हैं, उनको देश की सारी गणित के बारे में मालूम होगा, हर चीज उन्हें पता होगी, तो जब उन्हें ये हर चीज जब पता होगी तो उन्हें ये मालूम होगा ना कि देश में आज के भी समय में भले ही कांग्रेस चुनाव पिछले कुछ हारी है, फिर भी आज के समय पूरे देश में अगर सबसे बड़ी कोई विपक्ष की पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसके पास सभी प्रदेशों में कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ विधायक तो होंगे ही, इसलिए कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति हर प्रदेश में है कि हर जगह पर हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो जहां तक रही बात मोदी की लड़ाई की, मोदी की लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई फ्रंट पर लड़ ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी मोर्चे पे हो, चाहे वो मोर्चा कोरोना का रहा हो, या वो मोर्चा दलितों के उत्पीड़न का रहा हो, या वो मोर्चा आज के समय में राशन कार्ड धारकों का हो, सभी मोर्चे पर अगर कोई सड़क पे दिखा कांग्रेस पार्टी दिखी, कोई सड़क पे दिखा तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी दिखे, तब तो कोई विपक्ष का नेता दिख नहीं रहा था। तो ऐसा कौन सा प्यार है कपिल सिब्बल जी का कि उनको इसलिए विपक्षी एकता की तरफ वो भाग रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम विपक्षी एकता भी चाहते हैं, मोदी से लड़ाई भी चाहते हैं, और जो मोदी से लड़ने में सक्षम सबसे बड़ी पार्टी है उसके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। वो
अगर सदन में सिर्फ नहीं जाना चाहते हैं और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ अगर वो थे, कांग्रेस के साथ वो थे, तो फिर वो हमारे साथ रहे होते और अपने सुझाव दे रहे होते, हमें सजेशन दे रहे होते, हमारी जो टीम थी कांग्रेस की टीम के साथ वर्क कर रहे होते। सदन में जाने के लिए सिर्फ वो पार्टी नहीं छोड़ते, उन्होंने कल स्पष्ट कहा कि मुझे राज्यसभा जाना है, इसीलिए मैं आया हूं यहां पर, क्योंकि कांग्रेस मुझे भेजती नहीं। जब ये बात वो स्पष्ट कर चुके हैं तो उनको किस बात पे भाई साहब डिफेंड कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर उन्हें विपक्षी एकता को इतना ही मजबूत करना था, कांग्रेस पार्टी को इतना ही मजबूत करना था, तो वो हमारे संगठन के साथ जुड़े होते, संगठन की कमियों को बता रहे होते, ना कि संगठन के खिलाफ खुले मंचों पे आवाज उठा करके जो संगठन हमारा इस सुप्त अवस्था में उसको और कमजोर कर रहे होते। ठीक है, मतलब पंडित जी जिस तरीके से भी आपने बोला कि कपिल सिब्बल ठीक है पार्टी के साथ रहते तो कई तरह के सुझाव देते हैं, कपिल सिब्बल का तो साफ तौर पर कहना है कि हमने कई सुझाव दिए, हमने कई बार अपनी बातें भी रखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद उनकी बातें नहीं सुन रही थी, जिसके चलते उन्हें ये फैसला लिया गया। क्योंकि सभी को पता है ये बात, चाहे पक्ष या विपक्ष, लगातार ये जानता आया है कि कपिल सिब्बल जिस तरीके से एक दिग्गज नेता है, कांग्रेस के साथ ही साथ एक वकील भी है, कई बार उन्होंने कांग्रेस के साथ खड़े होकर कई मुकदमे भी उनके लड़े हैं, लेकिन क्या लगता है कि अगर उन्होंने अपनी बातें रखी, अगर कुछ सुझाव देना चाहते थे, तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों उनकी बात नहीं सुनी? अब कांग्रेस पार्टी उनकी बात अगर नहीं सुनी होती तो उनका एक सुझाव था कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को चेंज किया जाए। ठीक, कांग्रेस में प्रेसिडेंट का चुनाव अगस्त में तय कर दिया गया है कि अगस्त में हमारा चुनाव होना है। उसके पहले चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों ने नई स्ट्रेटेजी के ऊपर बात रखी। उस चिंतन शिविर में कपिल सिब्बल उपस्थित नहीं हो, जबकि उन्हीं के साथी जिनका ये नाम भाई साहब बार बार ले रहे हैं, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी, जिन लोगों का नाम अभी भाई साहब ने लिया, वो सभी लोग उपस्थित थे सिवाय कपिल सिब्बल के। तो इसका मतलब है ना कि आप अपने आप की बात ही नहीं, आपको पता चल गया है कि आपको सदन में नहीं जाना है, आपकी पार्टी के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, आपकी निष्ठा सिर्फ सदन में जाने से रिलेटेड थी। तो आपको जब लगा कि आप नहीं जा रहे तो आप छोड़ के चले गए। अगर आपको पार्टी के साथ रहना था, और विशेष तौर पर जैसे उन्होंने बोला कि मोदी के खिलाफ हमें देश में मोर्चा बनाना है, तो आप पार्टी में रह करके ये काम कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया है। और उनकी बात अगर नहीं सुनी जाती तो आज जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है वो नहीं हो रहा होता, डायरेक्टली कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता। लेकिन हमारी जो अपने कांग्रेस का संविधान है उसके तहत ही तो हम काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पहले या किसी भी चुनाव के पहले हमारी एक प्रक्रिया होती है सदस्य बनाने की, जो प्रक्रिया चल रही है, जिसका 3 से 4 महीने का टाइम होता है। जो 4 महीने का टाइम हमारा जुलाई में कंप्लीट होगा, अगस्त में चुनाव होगा, उसके पहले ये चले गए तो कोई क्या करे इसके लिए? आप बताइए, इनकी सारी बात सुनी जा रही थी, और इनकी अगर नहीं सुनी जाती तो इनके जो ग्रुप के G23 ग्रुप के बाकी भी सदस्य हैं जिनको राज्यसभा जरूर जाना होगा, वो लोग भी छोड़ के चले जाते, या शायद कुछ लोग इनके संपर्क में हो, इनको ऐसा लग रहा हो, तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन विशेष तौर पर बात इतनी कि इनकी कोई निष्ठा कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड नहीं थी, ना ही कोई विपक्षी एकता की निष्ठा है, ना ही मोदी के खिलाफ थी। बस ये है कि इनकी वॉइस जो है शुरुआत से मोदी के खिलाफ रही है। एक अच्छे वकील है तो इनको पता है कि हमें अपनी उपस्थिति सदन में अगर मजबूत रखनी है, अपनी बात रखनी है, वो खिलाफ की राजनीति करके ही हम रख सकते हैं, और आज वो हमारा साथ छोड़ के चले गए। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। जी, अवर्चस पांडे, जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक बड़ी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है, और इसी के चलते लगातार आप भी जानते हैं कि बैठक पे बैठक हो रही थी, चाहे दिल्ली में बैठकें हो या यूपी, लगातार बैठक हो रही थी, प्रियंका गांधी भी बैठक करती हुई नजर आई, सोनिया गांधी भी बैठक कर रही थी, चिंतन शिविर से शुरुआत हुई और अब भारत जोड़ो की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से कांग्रेस के नेता का साथ छोड़ना कांग्रेस का अब कितना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारी पड़ने के पहले कई ऐसे नेता रहे हैं, जितेंद्र प्रसाद की बात कर ले, ज्योतिराज सिंधिया की बात कर ले, कई ऐसे बड़े नेता थे जिनको दिग्गज नेता कहा जाता है, और उनका साथ इस तरीके से छोड़ जाना, और ऐसे मौके पर जब लगातार कांग्रेस अब पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कर रही है और लगातार इसको लेकर बैठकें जो है वो भी चल रही है। देखिए, आपने अभी एक बात खुद ही कह दी कि कांग्रेस पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है, ऐसे में ये लोग छोड़ करके जा रहे हैं। जी, तो ये लोग छोड़कर जा रहे, जब हमारी पार्टी, जब हमारे स्थिति नहीं सही है तभी तो छोड़कर जा रहे हैं, स्थिति सही थी तब तक तो ये लोग रह करके मलाई खाए हैं ना। कपिल सिब्बल जी सदन में थे, राज्यसभा सांसद थे, और जब तक सरकार रही तब तक मंत्री भी रहे हैं, और सबसे अच्छे मंत्रालयों में उनके पास रहे हैं। तो ये सब बातें बहुत ही हमको खोखली लगती है कि नहीं, हम इसलिए नहीं उसलिए जा रहे हैं। ठीक है, आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए,
और कांग्रेस पार्टी को अगर इतना ही मजबूत करना था तो आप साथ में रहकर के मजबूत कर सकते थे और विपक्ष की एकता को मजबूत कर सकते थे जी। जहां तक रही कांग्रेस की स्ट्रेटेजी की बात, उसके लिए जब हमें लगातार हार का सामना करना पड़ा, उसको उससे उबरने के लिए हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी शुरुआत चिंतन शिविर से की गई, जिसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनी है, जिसके ऊपर वर्क हो रहा है और धीरे धीरे उसका नतीजा सामने आएगा, जिसके कारण हम 2024 में एक मजबूत तौर पर भाजपा का सामना करेंगे और सिर्फ सामना ही नहीं करेंगे, सत्ता में भी आएंगे और देश को फिर से उसकी जो धरोहर थी, जो हमारी स्वतंत्रता थी, उसको वापस दिलाएंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमारे साथ कांग्रेस से वर्चस्व पांडे जुड़े हुए थे और सपा से तारिक खान जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपना अपना तर्क रखा कि किस तरीके से जब कांग्रेस लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लगातार बैठक कर रही है, चाहे वो दिल्ली में बैठक हो रही हो या यूपी में प्रियंका गांधी ने भी बैठक की, तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी का साथ छोड़ा, और ऐसे में अब पार्टी की क्या राह होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और बुधवार को ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, और सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर भी सवाल उठाते आए हैं, और ऐसा माना भी जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे, और नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर भी गए थे और वो अखिलेश के साथ ही राज्यसभा पहुंचे थे, और नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने यह भी कहा कि वो 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, और सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद है, लेकिन इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने ही विधायक नहीं है जो उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सके। तो ऐसे में लगातार ये सवाल भी उठते आए हैं कि कांग्रेस अब जब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, सोनिया गांधी अब जिस तरीके से चिंतन शिविर से शुरू करती हुई अब भारत जोड़ो तक पहुंचने की बात करी, और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, इसका क्या असर कांग्रेस पर पड़ने वाला है और क्या पड़ रहा है वो देखने वाली बात हो गई। फिलहाल हम इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए KKT News।